में मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर असमंजस। कल सांसद एसटी हसन ने भरा था पर्चा, अब टिकट कटने की थी चर्चा। रुचि वीरा को नया उम्मीद बनाए जाने की हलचल। एसटी हसन के समर्थकों में रुचि वीरा को लेकर नाराजगी, रुचि वीरा के खिलाफ नारेबाजी। रुचि वीरा ने आज तक से बातचीत में कहा, पार्टी ने एसटी हसन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखी होगी, शायद इसीलिए मुझे चुना, उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए। हालांकि आज नामांकन करेंगी या नहीं, इस पर सस्पेंस। यूपी की रामपुर सीट पर भी समाजवादी पार्टी का दिख सकता है नया चेहरा। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश रामपुर से जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को बना सकते हैं उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ से मुरादाबाद के लिए चार्टर प्लेन बुक कराया। माना जा रहा है कि इस प्लेन से रामपुर प्रत्याशी का भेजा जा रहा है नामांकन पत्र। अखिलेश यादव ने पार्टी के टॉप लीडर्स को लखनऊ बुलाया। मेरठ लोकसभा सीट पर भी प्रत्याशी बदला जा सकता है। मेरठ लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में होना है चुनाव। समाजवादी पार्टी ने वहां से भानु प्रताप सिंह को बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बन सकता है नया गठबंधन। स्वामी प्रसाद मौर्य कर सकते हैं इस गठबंधन की अगुवाई। गठबंधन से जुड़ सकती है ओवैसी की पार्टी। सूत्रों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में AIMIM पीस पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन का इसी हफ्ते हो सकता है ऐलान। एसपी कांग्रेस से नाराज नेता भी इस गठबंधन से जुड़ सकते हैं। यूपी के शामली से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन का बयान, बीजेपी 400 पार हो गई तो संविधान से करेगी छेड़छाड़, मुसलमानों को बना दिया जाएगा दोयम दर्जे का नागरिक। पूरा होता है तो फिर सीधी सीधी छेड़छाड़ संविधान के साथ होगी। आप पर और हम पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि हमें दोयम दर्जे का नागरिक अपने ही देश में बना दिया जाएगा। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने पर बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वरुण पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ाने के बजाय चुनी है दूसरी भूमिका, उम्मीद है वो साथ देंगे। नहीं मिला है, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग काम सोचती है, मुझे विश्वास है कि वो हमारे साथ रहे। अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर कसा तंज, वरुण गांधी को कांग्रेस का दिया खुला ऑफर, कहा गांधी परिवार से होने की वजह से कटा बीजेपी लिस्ट से वरुण गांधी का नाम। महाराष्ट्र शिवसेना यूबीटी ने जारी की 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत को टिकट, सांगली से उद्धव ठाकरे ने चंद्रहार पाटिल को बनाया उम्मीदवार, यवतमाल से संजय देसाई को शिवसेना यूबीटी का टिकट। संजय राउत ने 22 उम्मीदवारों में 17 उम्मीदवारों का नाम किया ट्वीट। अनिल देसाई को साउथ सेंट्रल से दिल्ली का से टिकट का जिक्र, यहां से कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ को बनाना चाहती थी उम्मीदवार। राउत ने कहा कांग्रेस से हमारा समझौता पूरा हुआ। कांग्रेस के बारे में हमारी बातचीत पूरी हो गई है मुंबई के बारे में और लगभग सबका समाधान हो गया है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को दिया टिकट। नॉर्थ वेस्ट सीट पर लंबे अरसे से कांग्रेस नेता संजय निरुपम ठोक रहे थे दावा। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट कटने पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम है नाराज, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं बड़े फैसले का ऐलान। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष ममता पर दिए विवादित बयान का किया बचाव, कहा शुभेंदु के पिता पर जब होती है गलत बयानबाजी तो क्यों नहीं उठता सवाल, हमने ममता का जिक्र किया तो खेला जाने लगा महिला कार्ड। विधायक दल नेता नामे तार बाबा नामे ये चेव खराब खराब शब्द बोलो गालागाली देवे क्यों, हमार विधायक दल नेता की मान सम्मान नहीं। कल ममता बनर्जी पर दिलीप घोष के बयान को लेकर बीजेपी आलाकमान दिखा था सख्त, पार्टी की तरफ से की गई थी निंदा, जेपी नड्डा से मांगा स्पष्टीकरण, देखते हैं दिलीप घोष ने आखिर क्या कहा। তার বাড়ির লোকটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়, বাংলার লোক কখন ধাক্কা মারবে বলে বুঝতেই পারবেন না, বুঝে তারা বাংলা নিজের ভাইপোকে চায় বিহার ইউপি থেকে, দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরার মেয়ে, আমার বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক না। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर की अभद्र टिप्पणी, ECI से शिकायत करेगी तृणमूल कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी मेरठ से करेंगे चुनावी सभा की शुरुआत, 30 मार्च को रैली में जयंत चौधरी भी होंगे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार और संदेश खाली पीड़िता रेखा पात्रा से फोन पर की बात, रेखा पात्रा ने प्रधानमंत्री को संदेश खाली में महिलाओं को होने वाली परेशानियों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने रेखा पात्रा से उनकी प्रचार तैयारियों, लोगों के बीच बीजेपी के प्रति समर्थन और अन्य मुद्दों पर की बात, प्रधानमंत्री ने रेखा पात्रा को कहा शक्ति स्वरूप।
आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, गृहमंत्री शाह के घर पहुंचे जेपी नड्डा, उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर मंथन। कंगना पर सुप्रिया श्रीनेत की विवादित पोस्ट पर सियासत जारी, दिल्ली में नड्डा से कंगना की मुलाकात, बीजेपी ने चुनाव आयोग से श्रीनेत की शिकायत की। बीजेपी ने की तीन उम्मीदवारों की लिस्ट, छठी लिस्ट जारी। करौली धौलपुर सीट से इंदु देवी जाटव लड़ेंगी चुनाव, दौसा से कन्हैयालाल मीणा बने उम्मीदवार। बीजेपी ने मणिपुर में नए चेहरे को दिया मौका, इनर मणिपुर से थौना ओजम बसंत कुमार सिंह को मिला टिकट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज दाखिल करेंगे नागपुर में नामांकन, नामांकन के बाद गडकरी रैली को करेंगे संबोधित, फडणवीस और भाजपा प्रमुख रहेंगे उपस्थित। कर्नाटक में बीजेपी के भागी नेता ईश्वरप्पा 12 अप्रैल को शिमोगा से भरेंगे पर्चा, लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। पुणे में महायुति गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम 28 मार्च को होंगे घोषित, अजीत पवार ने दी जानकारी। गुजरात की 6 लोकसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवारों का हो रहा है विरोध, तो दूसरी तरफ लखनऊ में बीजेपी और एनडीए गठबंधन के 6 लोकसभा प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 7वीं लिस्ट जारी, छत्तीसगढ़ से 4 और तमिलनाडु से 1 उम्मीदवार का ऐलान। छत्तीसगढ़ की सरगुजा सीट से शशि सिंह, रायगढ़ से मेनका देवी सिंह को मिला टिकट। बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव, कांकेर से ब्रजेश ठाकुर को पार्टी ने मैदान में उतारा। तमिलनाडु की माइला आदुथुरई सीट से एडवोकेट आर सुधा को मिला टिकट। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टली, केजरीवाल ने ईडी के रिमांड को दी थी चुनौती। आम आदमी पार्टी ने किया स्पष्ट, गिरफ्तारी के बावजूद सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे केजरीवाल, गिरफ्तारी में भी केजरीवाल ही चलाएंगे सरकार। बीजेपी के इस्तीफे की मांग पर मंत्री गोपाल राय बोले, केजरीवाल नहीं देंगे इस्तीफा, जेल से चलेगी सरकार। दिल्ली सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाया, सौरभ भारद्वाज देंगे स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी। के कविता को अदालत ने 9 अप्रैल तक न्याय हिरासत में भेजा, अंतरिम जमानत पर 1 अप्रैल को सुनवाई। पूर्व पीएम एच डी देवेगौड़ा के दामाद और प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीएन मंजुनाथ बीजेपी के टिकट पर बेंगलुरु ग्रामीण से लड़ेंगे चुनाव। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो की अमित शाह को चुनौती, कहा अगर मोदी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं तो अमित शाह आसनसोल से क्यों नहीं लड़ सकते। एआईएडीएमके पर बरसे अन्नमलाई, पार्टी पर लगाया आरक्षण विरोधी होने का आरोप। केटीआर ने राहुल गांधी और सीएम रेवंत पर किया कटाक्ष, कहा मोदी और अडानी पर आप कहां खड़े हैं, बड़े भाई हैं या चौकीदार चोर है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल की रिहाई के लिए शुरू किया कैंपेन, ग्रेटर कैलाश में थाली बजाओ अभियान का किया नेतृत्व। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, बिहार में होली के चलते गुरुवार तक बढ़ाया गया था वक्त। लोकसभा चुनाव से पहले 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी आप कांग्रेस की पहली संयुक्त रैली। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव की कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक से हुई मुलाकात। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने उत्तराखंड से किया 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। ममता बनर्जी चोट लगने के बाद फिर से अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगी, 31 मार्च को कृष्णानगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगी संबोधित। प्रियंका गांधी की गरीबी, रामगढ़ के विधायक जुबेर खान का अलवर में सरकार पर वार, कहा जिन लोगों को जेल में होना चाहिए वो चला रहे सत्ता, बीजेपी के रामराज्य नारे पर किया सवाल। जहां तुम्हें अखबार में तस्वीर बालिकाओं में हत्या में था, बलात्कार होते हो गया रामराज्य, सारे लूट रहे, दुकानें लूट रही, आज भी लूट रहे रामराज्य। बांदीपुरा के गुरेज में बीआरओ को मिली बड़ी कामयाबी, 38 दिनों के बंद के बाद गुरेज घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली सड़क से बर्फ हटाने का काम किया गया पूरा। जम्मू कश्मीर बिजली विकास विभाग ने सरकारी निर्देशों का हवाला देते हुए अपने कर्मचारियों को प्रदर्शन करने के खिलाफ जारी की चेतावनी। रामकृष्ण मिशन के प्रमुख स्वामी स्मरणानंद का निधन, प्रधानमंत्री मोदी, सीएम ममता ने दी श्रद्धांजलि। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, बीजेपी कार्यालय का किया घेराव, जमकर नारेबाजी। रोहतक में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बढ़ाई गई पुलिस सुरक्षा। सांसद नवनीत राणा ने कंगना पर चल रहे विवाद को लेकर दी प्रतिक्रिया, कहा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर कंगना को जो ट्रोल कर रहे हैं वो भूल गए हैं कि इंदिरा, सोनिया और प्रियंका गांधी भी नेता हैं। नागपुर में नितिन गडकरी के विरोधी उम्मीदवार विकास ठाकरे ने कहा गडकरी सबको नीचे समझते थे, खुद को राजा समझते थे, जनता नितिन गडकरी के गुरूर तोड़ेगी। कोटा में बड़ा हादसा, नदी में डूबने से सगे भाई बहन समेत 3 बच्चों की मौत।